हम बात कर रहे हैं फैराडेस लॉ। हो ये रहा है कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि कोई अमाउंट इलेक्ट्रोलाइसिस होके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे या एनोड पे, होता है नहीं होता, लेकिन वो किस क्वांटिटी में होगा वो हमें फैराडेस बताता है, ठीक है ना। यानी फैराडेस हमें डिपॉजिट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑन कैथोड और एनोड के बारे में बताता है। तो मैंने पहले आपको फेराडेस लो बताना है, देन उसके बाद अपना बनाया हुआ रूल बताना है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फेराडे आपको बहुत हेल्प करता है, बोर्ड में आपको फेराडे ही लिखना है, लेकिन कंपटीशन में आपको फास्ट करना होता है, क्वेश्चन को जल्दी पकड़ने होते हैं, लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, तो वहाँ आपको फेराडेज की जगह SL यानी सुनील लखोटिया लो को यूज़ करना है, आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। दोनों का बेसिक पॉइंट सेम है, लेकिन स्टेप्स खा जाता हूं मैं बहुत सारी के साथ। तो पहले फेराडेज लो समझते हैं कि है क्या। फेराडेज लो ये कहता है स्टेटमेंट अगर किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्यू करंट क्यू अमाउंट का चार्ज सप्लाई किया जाए तो डिपॉजिट अमाउंट क्यू के प्रोपोर्शनेट होता है। यानी क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोड ये बारे में जानकारी हमें फेराडेस लॉ देता है। यानी फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर यहाँ आपके पास इस तरह से अटैचमेंट है, आप ही बताइए ये एनोड है या कैथोड है, ये क्या है एनोड, और यहाँ क्या है आपके पास कैथोड, एक एनोड है और दूसरा क्या है कैथोड है। अब यहां पर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने के लिए आपने इस पे इलेक्ट्रोलाइट भर दिया बहुत ज्यादा कोई भी, ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होने चाहिए। तो जो यहां डिपॉजिट होगा वो मान लीजिए W1 है और यहां जो होगा वो क्या है W2 है। जनरली क्या होगा, W2 कैथोड पर निकलने वाला है तो ये जनरली मेटल होगा, तो या तो ये मेटल होगा जो कि अपने आप में सॉलिड होता है, या फिर ये हाइड्रोजन गैस होगी H2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस केटायन से बनती है और जितने भी केटायन से बनते हैं वो कैथोड पे आते हैं, और एनायन से जो बनता है वो जनरली गैस होती है। तो जो एनायन की वजह से यहाँ डिपॉजिट हो रहा है वो आपके पास होगा गैस होगी, और वो गैस का वॉल्यूम आप ले सकते हो या मास ले सकते हो या मोल भी ले सकते हो, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो फेराडे जो कह रहा है वो मास को रिलेट करते हुए बता रहा है पहले कि W जो प्रोपोर्शनल आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा Q के, Q इज द चार्ज इन कूलाम पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोड। ये W किसका होगा, W इसका होगा या इसका होगा, ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, किसी के लिए भी लिया जा सकता है, दोनों के लिए लगेगा ये, यानी कैथोड पे एनोड पे भी लगेगा। यानी अगर आप ज्यादा करंट, आपने करंट डबल डाल दिया तो इस पे डिपॉजिट क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, और इस पे डिपॉजिट क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यानी दोनों के लिए इंडिविजुअली भी लग रहा है, ये कोई डाउट नहीं है, इंडिविजुअली भी लग रहा है और आप चाहो तो कंबाइंड भी लगा सकते हो,
लेकिन कुल मिला के आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कैथोड पर है या एनोड पर। तो किसी इंडिविजुअली हम लगाते हैं कैथोड पर एनोड पर दोनों के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल दिस, और जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट लगता है जेड क्यू। जेड यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल है जिसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप जानते हो, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। चमक रहा है ये? तो हम इसकी मदद से कोई भी डिपॉजिट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इस पे एग्जांपल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल देखेंगे तो बहुत इजी आएंगे। तो एग्जांपल कैसे बनेंगे? सपोज 3 एम्पियर करंट पास थ्रू 3 आवर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, देन कैलकुलेट डिपॉजिट क्वांटिटी, डिपॉजिट क्वांटिटी ऑफ कॉपर एट कैथोड एंड O2 क्वांटिटी एट एनोड। देखिए हमें यहां पर Q दिया है, लेकिन Q की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, Q चार्ज, चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन सेकेंड। तो हम Q भी निकाल लेंगे, I भी निकाल लेंगे, और कैथोड पर कॉपर का मास भी निकाल लेंगे। क्या आपको आप कॉपर का मास जानते हैं, एटॉमिक वेट? नहीं जानते? लिखे एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5, ये होता है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। फेराडे की वैल्यू आप जानते हैं, फेराडे कांस्टेंट 96500। तो पहले आप अपने मेथड से करिए, फिर मैं मेरे मेथड से कराऊंगा आपको। देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हम चाहते हैं कि बोर्ड की तरह ही हम इसको सॉल्व करें, जैसे बोर्ड मेथड में हम यूज करते हैं, ठीक है। सपोज 3 एम्पियर करंट पास थ्रू 3 आवर इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देन कैलकुलेट डिपोजिट क्वांटिटी ऑफ कॉपर एट कैथोड एंड O2 एट एनोड। तो यानी ये बात तो हमें दिमाग में पहले ही बैठानी चाहिए कि जितने भी मेटल है वो कहाँ निकलेंगे, कैथोड पर, और जितने भी O2, N2, H2 जो भी गैसेस है, सॉरी H2 नहीं, जितनी भी वो गैसेस है जो एनायन से बनती है वो सब कहाँ मिलेगी आपको, एनोड पर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों को पकड़ना है। और अब फेराडेज स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, बोर्ड में इसको इस तरह से करेंगे, हम ये करेंगे बाय फेराडेस लो क्यू इक्वल टू जेड, सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू एंड क्यू इक्वल टू आई टी, दोनों को मिलाया बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जेड आई टी हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू क्या होती है, वेयर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ, आई दिया हुआ ही है। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, कॉपर का मास है, और डब्ल्यू बाय एफ, डब्ल्यू की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, मोलर वेट, ज्यादा अच्छा है, मोलर वेट,
मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। टी किस में आना चाहिए यहाँ पर? सेकंड में। तो बताओ मोलर मास कितना है कॉपर का? 63.5। यहाँ वही मोलर मास आएगा उसी का जो डिपॉजिट हो रहा है, जो एन फैक्टर है या वैलेंसी फैक्टर है वो भी उसी का आएगा, और ये देखा जाएगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उस फॉर्म में आया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके? दो। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है दिया गया है एग्जामिनर ने? 63.5। आई करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 3 × 3600, क्योंकि ये हावर में इसको चेंज में करा है। ये वेट किस में आएगा, ग्राम में, मिलीग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम में, क्योंकि आपने मोलर मास ग्राम में रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट्स। तरीके से करना है हर चीज, यूनिट नहीं लगाई, नंबर कटेंगे, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये सब लिखा नहीं, हर एक स्टेप का नंबर कटेगा और फाइनली आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है वो भी लिखनी पड़ेगी, 9650। सबके नंबर कटेंगे तो फाइनली आपको ये आंसर शो करना है, कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरा मेथड कौन सा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, हम वो भी पढ़ेंगे। फेराडे ने जब ये रूल दिया तो थोड़े दिन बाद ही उसको लग गया कि उससे और अच्छा रूल दिया जा सकता था, तो उसने फेराडे सेकंड लॉ दे दिया। तब से हम इसको क्या बोलने लग गए? फेराडे फर्स्ट लॉ। समझ में आ रहा है? तो फेराडे ने एक और रूल दिया और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हम जानते हैं, पहले इसको साफ कर दें। तो हेडिंग क्या डलेगी? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। ठीक है, हटा दूं मैं, तो हेडिंग डलेगा सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। तो हेडिंग डलेगा सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। तो ये कहता है, क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रो लाइट सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कोई दो या दो से ज्यादा सेम सीरीज में चाहेगा लगा दिए जाए इलेक्ट्रोलाइट सेल को, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि सेम चार्ज दोनों में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यही है, इट मींस सेम चार्ज ट्रांसफर इन बोथ सेल देन डिपॉजिट क्वांटिटी, डिपॉजिटेड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड, ऑन इलेक्ट्रोड सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड आर इन रेशियो ऑफ, आर इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब ऐसे समझो कि अगर W1 है, रेशियो W2 है, तो वो उनके इक्विवेलेंट वेट E1 रेशियो E2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2।
देखो ये आया कहाँ से और है क्या, ये देखा जाए तो फर्स्ट लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन था। अब इतना तो जानते थे बाय फर्स्ट लॉ W इक्वल टू क्या था, जेड क्यू। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ जेड वन होगा यहाँ जेड टू कॉन्स्टेंट होगा क्यू। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो W वन अपॉन W टू, सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है तो Q कट जाएगा, तो जेड वन अपॉन जेड टू आएगा। और जेड वन क्या होता है आपको बताइए, इक्विवेलेंट वेट ई वन अपॉन फेराडे, ई टू अपॉन फेराडे। तो ये फेराडे से फेराडे, तो कुल मिला के ये ई वन अपॉन ई टू ही तो आया। तो ये एक तरह से मॉडिफाई वर्जन ही है किसका, फर्स्ट लॉ का, कोई डाउट नहीं है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए ये आपके पास तीन अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लिए, ये हो गया सीरीज वाला काम, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है। इन सब में इलेक्ट्रो लाइट भर दिया आपने, ये क्या कहलाएगा, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड कहलाएगा, सही है। ये मेटल प्लेट लगा दी आपने, जो जहां डिपॉजिट हो रहा है, हो गया। मान लीजिए ये एनोड कैथोड, एनोड तो ये कैथोड है, कैथोड पे कोई मेटल डिपॉजिट होगा तो कहाँ होगा, कैथोड पर। मान लीजिए वो डब्ल्यू वन है, यहाँ डब्ल्यू टू है और यहाँ डब्ल्यू थ्री है। तो ये जो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री है पक्का, ये डब्ल्यू वन रेशियो डब्ल्यू टू रेशियो डब्ल्यू थ्री है, ये पता है किसके प्रोपोर्शनेट होगा, ई वन रेशियो ई टू रेशियो ई थ्री, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर उनके इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या होता है मेटल के लिए, उनका चार्ज जो है वो आयन जो उस पे चार्ज आ रहा है जिस आयन से वो डिपॉजिट हुआ है वही एन फैक्टर है। समझ में आ रहा है, मैं एक लाइन लिखता हूँ अपने लैंग्वेज में, पूरा कॉन्सेप्ट ही अपनी डेफिनेशन में लिखूंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ एन फैक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एन फैक्टर एक तरह से अगर कोई भी मेटल है जिसपे ए प्लस थ्री चार्ज से ए बना है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, थ्री। कुल मिला के आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन, जितना चार्ज से बना है। और अगर कोई गैस है समझना, वो गैस यहाँ एक्स मान लीजिए, यहाँ वाई चार्ज मान लीजिए, और यहाँ कोई भी गैस का एटम मान लीजिए, एलिमेंट ई, या इसको ऐसे समझिए आप, कोई गैस है एक्स जिसके ऊपर माइनस बी चार्ज है और उसकी क्वांटिटी ए है, समझ में आ रहा है। तो वो एक्स ए में कन्वर्ट होगी, बोलो यस और नो। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, ए बी, क्योंकि ए बी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ए बी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे चार्ज वाइज, तो एन फैक्टर ए बी हो जाएगा। ओ माइनस टू ओ टू, ओ टू में कन्वर्ट होता है, तो बताओ एन फैक्टर कितना हो जाएगा, चार, चार इलेक्ट्रोड का ट्रांसफर होगा तब ये बनेगा। अगर ये एफ माइनस होता एफ टू बनने में तो एन फैक्टर कितना होता, बिल्कुल सही, टू। गैस के लिए आप ऐसे निकाल लो कितनी एटोमिसिटी है उस गैस में और कितना चार्ज था पहले जहां से डिपॉजिट हुआ है, आपका 100% आंसर सही आएगा। तो चलिए एक नया रूल देखते हैं, सुनील लखोटिया स्लो, क्या है ये, इसको ऐसे समझें कि फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, छोटी सी बात को समझाने के लिए लेंथी डेफिनेशंस यूज किया, ठीक है,
लेकिन बोर्ड में हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बोर्ड नहीं है, जिन कंपटीशन में आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, वहाँ आप इस रूल को लगा सकते हो। ये कोई अलग से नहीं है, मैंने उन्हीं की लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया है, यानी फर्स्ट सेकेंड को मिला के अपनी लैंग्वेज में बोला है। और ये स्टेटमेंट क्या है, इन द इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज डिस्चार्ज और डिपॉजिटेड, कुछ भी लिख लीजिए, और डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में कोई भी हो सकता है, कैथोड और एनोड, ऑन इलेक्ट्रोड और इक्वल, मैं प्रोपोर्शनल नहीं ले रहा, डायरेक्ट बराबर कर रहा हूं, आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के इक्विवेलेंट पास थ्रू थ्रू द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पे कैसे पास किया जा रहा है, वो सारे के सारे आप ले सकते हो, पास थ्रू इलेक्ट्रोड। तो ये इस तरह से लगेगा कि कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए एक आपके पास ए प्लस टू ए में चेंज हो रहा है, मेटल है, और बी माइनस टू बी टू में चेंज हो रहा है, बैलेंस करना नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो लिख लीजिए कैथोड, और ये एनोड, ठीक है, कैथोड और एक क्या हो जाएगा, एनोड। तो इन सभी के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम। इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मान लीजिए डब्ल्यू है इसका वेट, डब्ल्यू डिवाइड, ये तो आप एक इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, पहले ये निकालो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को एन ई क्यू से शो करते हैं, तो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंट हो गया, दोनों जगह यही लगेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अब ये मोल कैसे निकालोगे आप, मोल आप बहुत तरह अलग तरह से निकाल सकते हो, जो कि आप जानते हो, मोल निकालने के लिए आप वॉल्यूम, अगर एसटी पे दिया हुआ है 22.4 वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मोलरिटी दी हुई है तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, एम यहां पर मोलरिटी है और वॉल्यूम लीटर में लिखना जरूरी है। तो मोल निकाल लिया आपने, किसी भी इन तीनों में से कोई भी फैक्टर आ सकता है, वेट दिया है वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, मोलरिटी दी है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया कि पहले मोल निकाल लो, और मोल निकालने के बाद क्या कर दो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ गया, मोल निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका है, केवल इक्विवेलेंट यानी मोल नहीं, इक्विवेलेंट डायरेक्ट, आप क्या करो, आपको नॉर्मलिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट आता है सीधा, आपको वेट दिया गया है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कर दो आप। लेकिन मैं ये यूज नहीं करता, मैं मोल से ही जाता हूँ, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल मेरे को क्या ब्लड में डीएनए तक है कि मोल कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट निकालने में कई बार सोचना पड़ जाता है। तो ये मोल हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम से तो आप निकाल ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, 22.4 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर,
सही है। इन सभी तरह से इक्विवेलेंट निकालने के बाद आपको रखना तो इक्विवेलेंट है मेरे कंसेप्ट में। तो चलिए यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट निकालना आ गया। तो अब एक और पॉइंट है कि हमारे पास क्या होगा, इन द इलेक्ट्रोलाइट सेल द इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज है, चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। तो चार्ज के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यानी इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, पूरी लाइन ही लिख लीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू, क्यू आपके पास चार्ज है, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय एफ करना पड़ेगा। क्यू इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एफ, क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई टी, सिर्फ आई टी, आई का मतलब करंट इन एम्पियर और टी का मतलब टाइम इन सेकेंड, बस ये करना है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सुनील लखोटिया अप्रोच में के अंतर्गत। तो चलिए एक बार और समझते हैं अपन पूरे अप्रोच को, एक नाम दे देते हैं, एक लाइन में कैसे अप्लाई करना है। क्या ये फर्स्ट लॉ की तरह लगेगा, हाँ। क्या ये सेकंड लॉ की तरह लगेगा, हाँ। ये फर्स्ट सेकंड का कंबाइंड फॉर्म हो गया एक तरह से। तो इसको कैसे हम डिपोज कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पास दो सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये हमारे पास हो गया एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, समझ में आ रहा है, सीरीज के अंदर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये आपने सॉल्यूशन भर दिया, जब आपने यहाँ सॉल्यूशन भर दिया है तो यहाँ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू जनरली यहाँ आएगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, समझ में आ रही है गणित, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरली यहाँ गैस होती है तो वी वन वी टू ले लिया मैंने, तो सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना। तो चार्ज के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, क्यू बाई एफ, जिसको आप क्या बोल सकते हो, आई टी मल्टीप्लाई बाय आई टी डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाय 22.4, अगर एस टी पी ही देते हैं ज़्यादातर यहाँ पर, नहीं तो फिर मोल कैसे निकालोगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी करके मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, सिर्फ उस गैस के लिए वी वन के लिए इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मोल आ गया, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर फर्स्ट, इसका एन फैक्टर, ऐसे आगे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाय 22.4, जिसका निकालना हो उसी का एन फैक्टर उसी के मोल, बस करते जाओ, डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट जो भी टू का है, एन फैक्टर वन वन डैश, जरूरी नहीं दोनों का सेम हो, टू टू डैश, खत्म। इस तरह से ये सारा हो जाएगा आपका अपना फॉर्मेट। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ी और चालाकी करता है, वो ये कह देता है कि मैंने तो 10 एम्पियर करंट भेजा था लेकिन अंदर सिर्फ 8 एम्पियर ही पहुंच पाया, तो इसका मतलब करंट की एफिशिएंसी भी दे सकता है, वो क्यों पहुंच पाया क्या रहा वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी। तो जब वो एफिशिएंसी दे देता है तो वो नीटा बाय एफ भी लिखना, नीटा नीटा यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी है, तो ये नीटा डालेगा नीटा डिवाइडेड बाय 100, अगर नहीं देता है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, 100 100% एफिशिएंसी थी, तो फिर वो तो यहाँ पर भी आएगा, नीटा अलग बनाना, नीटा बाय 100 या एक्स बाय 100 कर लो आप, क्योंकि तो नीटा यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल,
बाकी आप ज्यादा तो तभी अच्छे से समझ पाओगे जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। लिखें आप इसको।